उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। बॉलीवुड में अपनी मौजूदगी से गदर मचाने वाले एक्टर जिन्होंने अपने दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन से सबको दीवाना बना दिया। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। 1980 के दशक में फिल्मी करियर का आगाज कर मौजूदा वक्त में भी अपनी फिल्मों से नए स्टार्स को टक्कर देने वाले अभिनेता जिनकी देशभक्ति की दहाड़ ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक तहलका मचा दिया। कैसे आजादी दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जिसने ना सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और दमदार बॉडी से अपने लाखों फैंस में शोहरत बटोरी, बल्कि 2 नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर अपने अभिनय का भी लोहा मनवा दिया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको सनी देओल से जुड़ी 15 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस इंटरेस्टिंग फैक्ट सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है, हालांकि घर में उन्हें सनी कहा जाता था और इसी नाम से उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया। बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के सनी का मन पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में लगता था और ये अपने स्कूल के हर स्पोर्ट्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आते थे। शर्मीले होने के साथ ही सनी बचपन में शरारती भी थे और बचपन से ही इन्हें कार चलाने का बहुत शौक था। हालांकि कम उम्र होने के कारण इन्हें ड्राइव करने की इजाजत नहीं थी। बताया जाता है कि सनी देओल दूसरों को ड्राइव करता देखकर ही कार चलाना सीख गए थे और एक बार ये महज 12 साल की उम्र में अपने पड़ोसी के घर से उसकी कार चुपके से निकालकर घूमने निकल गए थे। सनी के जीवन में मजाक मस्ती और खेलकूद चल रहा था, लेकिन फिल्मों में काम करने का विचार अभी नहीं आया था। हालांकि कॉलेज के बाद जब परिवार के लोगों ने सनी को खेलकूद से दूरी बनाने को कहा, तब पहली बार इन्होंने खुद को फिल्मों में ट्राई करने का सोचा। हालांकि ऐसा करने से पहले पिता धर्मेंद्र ने सनी के शर्मीले स्वभाव को दूर करने और एक्टिंग की बारीकियों को समझने के लिए इनका दाखिला बर्मिंघम के एक्टिंग स्कूल में करा दिया था। इंग्लैंड जाकर इंट्रोवर्ट सनी देओल को खुलने का मौका मिला और यहीं पहली बार इन्होंने शराब और सिगरेट को हाथ लगाया। हालांकि ये चीजें उन्हें पसंद नहीं आई और सनी ने इन चीजों से दूरी बना ली। सनी ने अदाकारी सीखने पर ध्यान केंद्रित किया और फिर कुछ सालों बाद अपना कोर्स कंप्लीट कर मुंबई आ गए। अपने बेटे को अच्छा डेब्यू देने के लिए धर्मेंद्र ने डायरेक्टर राहुल रवेल से संपर्क किया। राहुल रवेल ने सनी देओल के लिए शेक्सपियर की रचना पर आधारित एक कहानी तैयार की जो कि धर्मेंद्र को खूब पसंद आई। बेताब नाम से ये फिल्म 1983 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और सनी देओल अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए। बेताब के बाद सनी की कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन अर्जुन, डकैत और यतीम जैसी फिल्मों में इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, मैं तुझे भूखे गिद्ध और जंगली जानवरों के लिए छोड़कर जाऊंगा। 1988 में आई फिल्म पाप की दुनिया से उन्हें एक बार फिर सफलता मिली और फिर 1989 में आई फिल्म त्रिदेव और वर्दी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं मुंह खुलवाने के। सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान मिल गई, लेकिन उनकी छवि को स्थापित होना अभी बाकी था। ऐसे में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सनी देओल की जिंदगी में आए और उन्हें बॉलीवुड में अपलिफ्ट करने का काम किया। बताते हैं कि कमल हासन को ध्यान में रखकर तैयार की हुई कहानी में राजकुमार संतोषी ने आखिरकार सनी देओल को जगह दे दी और घायल नाम की ये फिल्म सनी देओल के करियर में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत राय, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। इस फिल्म के लिए सनी देओल को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसके बाद इन्होंने फिल्म नरसिम्हा, योद्धा, क्षत्रिय और विश्वात्मा जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम कर बॉलीवुड में खुद को स्थापित कर लिया। आज से जंग शुरू होती है, ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। राजकुमार संतोषी और सनी देओल ने 3 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में रहीं घायल, घातक और दामिनी।
ये तीनों ही सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। हालांकि बाद में दोनों में विवाद हो गया और दोनों की राहें अलग हो गईं। बताते हैं कि 1993 में आई फिल्म डर में काम करना सनी देओल के लिए एक बुरा अनुभव था। सनी को लगा कि सेट पर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, चीजें अपने मुताबिक नहीं हो रही हैं और स्क्रिप्ट में छोटे मोटे बदलाव कर हीरो की छवि को छोटा किया जा रहा है। इन सभी बातों से तंग आकर एक बार तो सनी इतने गुस्से में आ गए कि खड़े खड़े अपने जीन्स की जेब में हाथ डालकर पैंट ही फाड़ डाली। बताते हैं कि सनी का ये रौद्र रूप देखकर यश चोपड़ा और शाहरुख खान समेत सेट पर मौजूद सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। मुझे तुम पर शक हो रहा है। शक? लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद। 1993 में आई फिल्म दामिनी में पहले सनी देओल का एक कैमियो रोल था, लेकिन सनी की एक्टिंग में इतना दम था कि आखिरकार इनका ऑन स्क्रीन टाइम लंबा कर दिया गया और फिल्म में इनके रोल को एक मेन एक्टर का रोल बनाया गया। फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए सनी देओल को उस साल के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म ने पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के साथ ही आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज होने वाली थी। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले गदर को एक कोल्ड फिल्म माना जा रहा था और वहीं लगान को हॉट कहा जा रहा था, लेकिन रिलीज के बाद गदर ने बॉक्स ऑफिस पर लगान से कई गुना ज्यादा बिजनेस किया। बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं, तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। सनी देओल को सिल्वेस्टर स्टालोन और उनके रैम्बो सीरीज की फिल्में बहुत पसंद हैं। सनी ने बताया कि सिल्वेस्टर स्टालोन से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने बॉडी बनाई थी। सनी के मजबूत शरीर को देखकर उन्हें ज्यादातर एक्शन रोल्स करने का मौका मिला और उन्हें भारत का अर्नोल्ड भी कहा जाने लगा। आगे चलकर सनी की गिनती बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्शन हीरोज में हुई। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। डांस और सनी के बीच में 36 का आंकड़ा है। सनी का कहना है कि जिस दिन उन्हें शूट पर डांस करना होता है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। सनी का मानना है कि गानों के स्टेप्स में भी अगर वो सिर्फ चलते ही रहते हैं तो उनसे डांस नहीं कराना चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2022 में सनी देओल की कुल संपत्ति $17 मिलियन यानी करीब 133 करोड़ रुपए है। उनकी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है और एक फिल्म के लिए वो करीब 5 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। सनी देओल के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें ऑडी A8 और रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से सनी को गदर 2 समेत उनकी सभी अपकमिंग फिल्मों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा सनी देओल स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी सनी देओल से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।